हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा नाश्ता, जिसे खाकर आप बार बार बनाएंगे। आज मैं आलू के बॉल्स बना रही हूँ। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। आप इनको झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, या फिर आप कोई न्यू रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। ये मैं कुछ आलू ले रही हूँ। आलू को मैं अच्छे से छील लूँगी। सभी आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब मैं इन आलू को कट कर लूँगी। आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये उबालने हैं। अब हम इन आलू को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। आज हम बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाकर रेडी करने वाले हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें। ये मैंने पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं वॉश किए हुए आलू इसमें ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से उबाल लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, आलू अच्छे से उबल गए हैं। मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने एक बाउल में आलू अच्छे से निकाल लिए हैं। मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 स्पून भर के बेसन और 2 स्पून भर के मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 पिंच हल्दी और थोड़ी सी ऐड की है मैंने इसमें लाल मिर्च, और स्वाद के अनुसार मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और मैंने कुछ हरे धनिया पत्ती कट कर ली थी, जिसको मैं आलू में ऐड कर दूँगी। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा नींबू। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और अब हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपके मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ऐसे इस तरह के बॉल हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसको झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। देखिए, सारे बॉल्स बनकर हमारे रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया था। आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ऑयल अच्छे से हीट हो गया था। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े बॉल्स ऐड करती जाऊँगी। आप जो है इसमें थोड़े से बॉल्स ऐड करें। अगर आप एक साथ बहुत सारे बॉल्स डाल देंगे तो ये अंदर से फ्राई नहीं होंगे और एक साथ चिपक जाएंगे, इसलिए हम थोड़े थोड़े बॉल्स ऐड करके ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम भी थोड़ा लो ही रखेंगे। पहले तेल को अच्छे से हीट कर लेंगे और फिर गैस का फ्लेम थोड़ा लो रख देंगे। अगर आप तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं। देखिए कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। झटपट बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है। आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, जो एकदम सिंपल और इजी होगी। तब तक के लिए बाय।